नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेकर यूट्यूबर्स और क्रिकेटर्स तक भी अब इन्हें प्रमोट करते हुए दिखते हैं। आईपीएल टीम्स की जर्सीज पर इनकी प्रमोशन होती है, आईपीएल के बीच में इनकी प्रमोशन होती है, और सभी प्रमोशंस में मोटे मोटे तौर पर एक ही चीज बार बार कही जाती है कि घर बैठे बैठे कैसे आप हजारों रुपए कमा सकते हो, लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। लेकिन असलियत में इन ऐप्स का मकसद उल्टा है, आपके पैसे लूटना, आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। इस वीडियो में दोस्तों मैं इन ऐप्स का नाम लेकर इनकी बात नहीं करूंगा, नहीं तो कोई ना कोई कॉपीराइट का बहाना देकर ये वीडियो हटवा देंगे, बल्कि दूसरे तरीके से मैं आपको इनका बिजनेस मॉडल समझाऊंगा। इनका जो ट्रेडिशनल और ओरिजिनल फॉर्म है, कैसीनोस कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और लोगों का पैसा लूटते हैं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। और जैसे जैसे आप समझोगे, आपको दिखेगा कि सिमिलर टैक्टिक्स अब आज के दिन ऑनलाइन इन बेटिंग ऐप्स के द्वारा इस्तेमाल करी जा रही हैं। कैसीनो शब्द एक्चुअली में दोस्तों कासा शब्द से आता है, जो कि एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है एक घर, एक हाउस। अमेरिकन हिस्ट्री में आप देखोगे तो पुराने जो गैम्बलिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होते थे उन्हें सलून्स करके पुकारा जाता था। इन सलून्स में अक्सर ट्रैवलर्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशल गैदरिंग होती थी जहां पर खाना पीना होता था, और अक्सर एक दूसरे के साथ लोग गैम्बलिंग भी करते थे। ये छोटी मोटी गैम्बलिंग जो सोशल गैदरिंग के समय करी जाती है, ये इंडिया में भी बहुत देखने को मिलती है, तंबोला खेलना हो गया जैसे, ये काफी कल्चर्स का हिस्सा रही है। मोर और लेस ये काफी हार्मलेस और फन चीज रही है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और कैसीनोज भी ओरिजिनली इसी पर्पस से बनाए गए थे। आज के दिन इनका नाम जरूर सेम है, लेकिन मकसद पूरी तरीके से अलग। अब इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पर है, और ये तभी होता है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाया जाए गैम्बलिंग का, क्योंकि किसी भी कैसीनो के लिए इनका प्राइमरी इनकम सोर्स है इनके ये गैम्बलिंग गेम्स। बेसिकली तीन जनरल कैटेगरीज होती हैं कैसीनो गेम्स की, पहला गेमिंग मशीन्स, दूसरा टेबल गेम्स, और तीसरा रैंडम नंबर गेम्स। गेमिंग मशीन्स जैसे कि स्लॉट मशीन्स, जिन्हें यूजुअली एक ही प्लेयर के द्वारा खेला जाता है एक टाइम पर, कैसीनो के जो बाकी इंप्लॉयज होते हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसमें। दूसरे ये जो टेबल गेम्स हैं जैसे कि ब्लैक जैक या क्रैप्स हो गए, इसमें एक से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं, और अक्सर ये प्लेयर्स हाउस के खिलाफ ही कम्पीट कर रहे होते हैं, हाउस यहाँ पर कैसीनो खुद है। इन टेबल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कैसीनो के इंप्लॉयज के द्वारा, जिन्हें डीलर्स कहा जाता है। और तीसरे ये रैंडम नंबर गेम्स जैसे कि कीनो या बिंगो, जिनमें रैंडम नंबर्स जनरेट किए जाते हैं या तो कंप्यूटर के द्वारा या फिर किसी एम्प्लॉय के द्वारा। कई कैसीनो गेम्स इन तीन कैटेगरीज के अलग अलग एस्पेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि रूलेट का गेम है, ये एक टेबल गेम है जिसे डीलर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, इसमें रैंडम नंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब आप सोचोगे कि इन गेम्स को खेलने का मतलब है कि यहाँ एक लक का गेम चल रहा है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत जाओगे कुछ पैसा। लेकिन चीजों को अगर कैसीनो के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लक का गेम नहीं चल रहा। गेम चाहे कोई भी खेले, कितना भी खेले, यहाँ गारंटीड है कि जीत हमेशा कैसीनो की ही होगी। सारे गेम्स को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में किसी भी एक गेम से कैसीनो को गारंटीड प्रॉफिट मिले। जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसे हाउस एज कहा जाता है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है जो बताती है कि चीजें कितनी ज्यादा कैसीनो के फेवर में है। यहाँ पर रूलेट गेम का एग्जांपल लेकर देखते हैं। यहाँ पर जो अमेरिकन स्टाइल रूलेट है वो बेसिकली एक व्हील होता है जिसमें नंबर्स लगे होते हैं कोनों पे, 1 से 36 तक लेकर। आधे नंबर्स रेड कलर में है, आधे ब्लैक कलर में है। आप बेट लगाते हो कि बॉल रेड कलर पे रुकेगी या ब्लैक कलर पे रुकेगी। अगर आपका गेस सही रहा तो आप पैसे जीतेंगे। आपको लगता है कि आपका जीतने का चांस यहाँ पर 50-50 है, लेकिन ऐसा होता तो कैसीनो के प्रॉफिट कमाने का चांस जीरो होता। अगर 10 लोग आए बेट लगाने, आधे लोगों ने ब्लैक कलर पे बेट लगाई, आधे लोगों ने रेड कलर पर बेट लगाई, कोई ना कोई तो उन पैसों को जीत ही जाएगा, कैसीनो को खुद के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। इस व्हील में दो ग्रीन कलर के जीरोस भी होते हैं, जहां नंबर्स की काउंटिंग शुरू होती है, एक तरफ जीरो और दूसरी तरफ एक डबल जीरो। अगर बॉल इन पर रुकी तो जीत यहां पर कैसीनो की होगी। तो कोई भी प्लेयर चाहे वो रेड चुने या ब्लैक चुने, उनके जीतने का चांस एक्चुअली में है 18/38, जो कि अप्रोक्सीमेटली 47.4% होता है। और किसी भी गेम में जो हाउस एज है वो होगी 2/38, जो कि 5.26% है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक कैसीनो में किसी एक रूलेट टेबल पर मान लो $1 million स्पेंड किए जाते हैं लोगों के द्वारा बेट करते हुए एक महीने के टाइम स्पैन में, तो जो मैनेजमेंट है उस कैसीनो की वो एक्सपेक्ट करती है कि वो प्रॉफिट इससे कमाएगी अराउंड $50,000 का, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ 1 million। और रूलेट को तो फिर भी एक ऐसा गेम कंसिडर किया जाता है दोस्तों जहां पर आपके जीतने के चांसेस वन ऑफ द हाइएस्ट है कैसीनो में, क्योंकि यहाँ पे हाउस
हाउस एज काफी कम है। आमतौर पे जो हाउस एज होती है कैसीनो की, बाकी गेम्स में वो 20% तक 40% तक भी पहुंच जाती है। रोलेट के अलावा ब्लैक जैक, वीडियो पोकर, सिकबो कुछ ऐसे गेम्स के एग्जांपल है जहां पर हाउस एज काफी कम होता है और माना जाता है कि इन गेम्स में गैम्बलर्स का जीतने का बेस्ट चांस है। लेकिन सबसे खतरनाक वो गेम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी जा सकती है पीछे से, जैसे कि स्लॉट मशीन्स। स्लॉट मशीन्स का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये कुछ ऐसी दिखती हैं। आप एक बटन प्रेस करते हो या लीवर नीचे करते हो, इसके अंदर ये पहिए हिलते हैं और आपको अलग अलग सिंबल्स दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन आया सिंबल्स का तो आप जीत जाएंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है जैसे कि एक सिंबल 5 बार एक लाइन में आ गया तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो ये गेम खेलेंगे तो उनका जीतने का एक बड़ा फेयर चांस है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा अनफेयर गेम कोई हो नहीं सकता। एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पीछे से क्या करी जा रही है, क्योंकि ये कैसीनो के हाथ में है तो वो उसे जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक तो ये है कि वो इसे इस तरीके से प्रोग्राम करें कि इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। आप सोचोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी स्लॉट मशीन को खेलता है वो हमेशा हारने लग जाए, तभी कैसीनो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। लेकिन अगर ऐसा होने लग गया तो कोई दोबारा खेलेगा ही नहीं गेम को। इसलिए एक दूसरी चीज को भी कंसिडर किया जाता है इनकी प्रोग्रामिंग करते वक्त, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस मशीन का एडिक्ट बनाओ। और एडिक्ट बनाने का बेस्ट तरीका यह है कि बीच बीच में थोड़ा बहुत उस खेलने वाले बंदे को जीत लेने दो, लेकिन बस इतना ही उसे जीतने दिया जाए कि वो इसका एडिक्ट बना रहे। प्रॉफिट तो मैक्सिमम हमारे पास ही आए। कई साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट बनाना, जो मशीन के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, टाइम ऑन डिवाइस। तो उनका पर्पस है टाइम ऑन डिवाइस को मैक्सिमाइज करना और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज करना। अब पहला, यहाँ पर यह इंश्योर किया जाए लोगों को किसी भी तरीके की इंटरप्शन ना हो खेलते वक्त, ताकि लोग अपने गेम में ही मगन रहे, किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। इसके लिए स्लॉट मशीन्स को बड़ा तेज बनाया जाता है, कुछ ही सेकंड में आपको रिस्पांस पता लग जाता है और मशीन इंस्टेंटली रेडी रहती है दूसरी बार स्पिन होने के लिए। इनफैक्ट एक स्लॉट मशीन 1 घंटे में 500 बार स्पिन कर सकती है। बाकी जो कार्ड्स के गेम होते हैं उनमें अक्सर शफलिंग में टाइम लग जाता है, लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लोगों का फोकस लूज हो सकता है। दूसरा, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उस लीवर को नीचे कर रहे हैं या फिर आप उस बटन को दबा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपने यहाँ पर गेम खेला है और जो रिजल्ट आएगा वो आपके एक्शन की वजह से आएगा। इससे एक कंट्रोल का इल्यूजन आता है, लोगों को वो गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आता है जहां पर लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में है चीजों के। तीसरा, जब ये सिंबल्स घूमने बंद होते हैं और रुक जाते हैं, आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, क्योंकि आप देखते हो कि ये तो इस तरीके से अरेंज है कि आप जस्ट जीत गए थे। ये एक सिंबल यहाँ 3 का ऊपर पैटर्न बनने लग रहा है, बस थोड़ा सा और इधर होता तो आप पूरा जीत जाते। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है आपको एडिक्ट बनाने के लिए। मशीन जान पूछ कर इस तरीके से रुकती है कि आपको हमेशा लगे कि आप तो बस जस्ट जीतने ही वाले थे, ऑलमोस्ट जीत गए थे आप। इस फीलिंग की वजह से आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है, आपको लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, आपके चीज कंट्रोल में थी, आप जस्ट जीतने वाले थे, तो जो नुकसान हुआ है आप उसे इग्नोर कर देते हैं। 4-5 और ट्राइज करते हैं और आपको फिर दिखता है डिंग डिंग डिंग, आप एक्चुअली में जीत गए। आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन हार्मोन फ्लड कर जाता है, आपको बहुत खुशी होती है अंदर से, इतनी खुशी मुझे। लेकिन ये अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक थी आपको बहकाने के लिए। ये जो आपको जीत दी जा रही है ये एक छोटी सी जीत है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ पर 1000 रुपए लगाए पिछले गेम्स को हार कर, आप यहाँ 600 जीत गए, आपको लगता है आप जीत गए हो, लेकिन इस चीज को कहा जाता है लॉस डिसगाइज्ड एज अ विन। यही तरीका है आपको एडिक्ट बनाए रखने के लिए। एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से लोगों को टाइम टू टाइम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देते रहो, ताकि लोग वापस आते रहे खेलने के लिए। एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेना है यहाँ पर गैम्बलर्स फैलेसी नाम से। ये बेसिकली एक फीलिंग है जो कुछ लोगों में आती है कि उन्हें लगता है अगर वो इतनी बारी एक के बाद एक हारे जा रहे हैं तो नेक्स्ट तो वो जीत ही जाएंगे अगला गेम। आखिर कितनी बारी एक बारी में हार सकते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आप 10 बार कॉइन टॉस करते हो और 10 की 10 बार टेल्स आ जाता है, तो आपको लगता है कि अगली बारी तो हेड्स आएगा ही आएगा। ये तो बहुत अनलाइकली है कि 11 बार टेल्स ही टेल्स आए, लेकिन असलियत में हर कॉइन टॉस पर चांसेस तो 50-50 ही हैं, जीतने हारने का चांस बदला नहीं है। इस फेमस फैलेसी को मोंटी कार्लो फैलेसी भी कहा जाता है, क्योंकि 18 अगस्त 1913 की बात है, मोंटी कार्लो कैसीनो में एक रूलेट का गेम खेला गया था जिसमें जो बॉल थी वो ब्लैक वाली स्पेस में जाकर गिरी 26 बारी लगातार। जो गैम्बलर्स वहां खेल रहे थे उन्होंने मिलियंस ऑफ फ्रैंक्स अपने खोए, क्योंकि उन्हें लगा कि यहां पर 20 बारी 21 बारी ब्लैक आ गया है, अब नेक्स्ट वाला तो रेड आएगा ही आएगा,
लेकिन वो 26 बार ब्लैक पर गिरी बॉल। अच्छा, अगली साइकोलॉजिकल ट्रिक सेंसेस से रिलेटेड है। किसी भी कसीनो में आप देखोगे कोई घड़ी नहीं मिलेगी आपको, ना ही कोई खिड़कियां होंगी, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई कसीनो ओनर कि आप खिड़की के बाहर देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। आपका ध्यान इन गेम्स में ही रहना चाहिए। आप इतने एडिक्ट बन जाओ कि आप टाइम का परसेप्शन ही लूज कर दो। बाहर दिन है, रात है, क्या पता घंटों यहाँ पर आपने बिता दिए हैं, आपको रियलाइज नहीं होना चाहिए। वैसे इसी टैक्टिक का बहुत से स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये कोई OTT ऐप पर अगर आप कभी टीवी शो देख रहे होते हो, एपिसोड के खत्म होने के बाद एकदम से लिखा आ जाता है नेक्स्ट एपिसोड स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, 1, क्योंकि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना चाहते सोचने का कि यार कुछ ज्यादा देर तो नहीं हो गई है मुझे टीवी देखते हुए, अब मुझे टीवी बंद करके थोड़ा काम करने बैठ जाना चाहिए। नहीं, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट एपिसोड शुरू हो जाएगा आपके क्लिक करने से पहले। यही टिकटॉक जैसी एप्स और इंस्टाग्राम रील्स पर भी किया जाता है। एक रील आपने देख ली, इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रील आपको दिखा दी जाती है। इनका पर्पस है बिल्कुल आपको एडिक्ट बनाए रखना, थोड़ा सा भी टाइम ना देना सोचने का, क्योंकि अगर आपको 1-2 सेकंड का भी टाइम मिल गया सोचने का, आप शायद ये ऐप यूज करना उसी वक्त बंद कर दोगे। इसी टैक्टिक को काउंटर करने की एक स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट कोर्स में बताई है। आप भी अपनी आसपास की एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करो कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सको। अपने फोन में सारी नोटिफिकेशन की साउंड्स डिसेबल कर दो, सिर्फ वाइब्रेशन ऑन रखो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अपने फोन को अपने घर में रखने की एक जगह बना लो और हमेशा उसी जगह पर रखो, ताकि काम करते वक्त आपको अगर फोन से डिस्ट्रैक्ट होना हो वहां तक जाना पड़े आपको डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। यही जो कुछ सेकंड का टाइम आपको सोचने के लिए मिलता है, ये इतना क्रूशियल होता है, और ये सारी एप्स, ये सारी कंपनीज इन चीजों को जानती हैं। वैसे अगर आपने मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स अभी तक लेकर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया है, कैसे आप ऐसी डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हैं, अपने लिए एक सक्सेस प्लान बना सकते हैं और जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। हजारों लोग जिन्होंने इस कोर्स को अभी तक लिया है उन्हें बहुत यूजफुल लगा है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप में से पहले 400 लोगों के लिए एक स्पेशल कूपन कोड TAKE40 40% ऑफ पाने के लिए। ये आप में से पहले 400 लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो जल्दी से जाकर ट्राई कर सकते हैं। और अब टॉपिक पर वापस आकर इस गैम्बलिंग इंडस्ट्री की और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को समझते हैं। यहाँ पर सेंस ऑफ स्मेल का भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, जो परफ्यूम छिड़का जाता है कैसीनोज में। डॉक्टर एलन हिर्श, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्मेल एंड टेस्ट ट्रीटमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन, इन्होंने स्टडी करके पता लगाया कि लास वेगस में एक स्पेशल सेंट जब स्लॉट मशीन एरिया में डाली गई थी, 50% ज्यादा पैसा कमाया कैसीनो ने। स्मेल की वजह से गैम्बलर्स का मूड थोड़ा लिफ्ट अप हो गया और वो और ज्यादा समय बिताना चाह रहे थे कैसीनो में। आपकी सेंस ऑफ साउंड का भी इस्तेमाल किया जाता है आपको बहकाने के लिए। जो कैसीनो में स्लॉट मशीनें आवाजें निकालती हैं, वो म्यूजिक के सी नोट में होती है, जिसे यूनिवर्सली प्लेजेंट माना जाता है। इतना ही नहीं, एक एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। जो कलर्स मशीन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो बटन्स का शेप है, साइज है, इन सबको इस तरीके से चूज किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा गैम्बलिंग के एडिक्ट बने। हमेशा आप देखोगे स्लॉट मशीन में जबरदस्त गोल्ड कलर इस्तेमाल किया जाता है, रंग बिरंगा कलर। एक ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि ये तो भाई ट्रेजर है। लोगों को लालच दिया जाता है कि ये इतना सारा खजाना आप जीत सकते हो, आओ आकर खेलो। रॉबर्ट ब्रीन, एक ब्राउन यूनिवर्सिटी के साइकियाट्रिस्ट की स्टडी ने पाया कि जो लोग स्लॉट मशीन्स खेलते हैं वो 3-4 गुना ज्यादा तेजी से एडिक्टेड बनते हैं गैम्बलिंग के, एज कम्पेयर टू जो लोग कार्ड्स खेलते हैं। अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली 65-80% पैसा जो एक कैसीनो कमाता है वो सिर्फ और सिर्फ स्लॉट मशीन से आता है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल गेम्स की नहीं है, पूरा का पूरा कैसीनो ही इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप अंदर आओ और गैम्बलिंग के एडिक्ट बनो। जो लोग पहली बार आते हैं कैसीनो में, अक्सर उन्हें फ्री ड्रिंक्स ऑफर करी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा। अक्सर उन्हें कुछ फ्री कॉइन्स दिए जाते हैं कि ये $10 ले लो, आप फ्री में खेल सकते हो, $10 से ट्राई करो, जो गेम खेलना है खेलो, और सारा पैसा जो आप जीतोगे वो आपका है। लोगों को लगता है कि ये बढ़िया है, मैं कोई पैसा लूज करूंगा नहीं यहाँ पर, तो खेल लेता हूँ। और जब कुछ पैसा जीतने लगते हैं लोग, तब उनके अंदर लालच आता है कि ये तो मैं फ्री पैसे से इतना जीत गया, मतलब मेरे अंदर इतनी स्किल है, मेरे पास इतना गुड लक है कि मैं और जीत सकता हूँ। फिर लोग अपना पैसा लगाते हैं और देखते ही देखते कुछ लोग एडिक्टेड बन जाते हैं। अक्सर एक और जरिया ढूंढा है कैसीनोज ने पैसा कमाने का कि अपने आप को होटल्स के अंदर बना लो। जब लोग होटल्स में रहने आएंगे तो वो कैसीनोज में घूमना चाहेंगे, पैसे लगाना चाहेंगे। दुनिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल कैसीनो एक्चुअली में है गैलेक्सी मकाओ। साल 2019 में एनुअल रेवेन्यू का $8 बिलियन का था। ये कैसीनो अपने आप में अलग नहीं है, बल्कि एक इंटीग्रेटेड कैसीनो रिजॉर्ट का हिस्सा है। एक ऐसा एरिया जहां पर 3,000 से ज्यादा होटल रूम्स, 120 रेस्टोरेंट्स और 200 से ज्यादा लग्जरी रिटेल ब्रांड्स हैं। अब आप शायद सोचोगे कि कैसीनोस का इन ऑनलाइन बेटिंग एप्स के साथ क्या कंपैरिजन बना।
कंपैरिजन है दोस्तों और बहुत सारा है। यही सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिमिलर तरीके से अप्लाई करी जा रही हैं। स्लॉट मशीन्स की तरह ये ऑनलाइन बेटिंग एप्स भी कंप्यूटर प्रोग्राम्ड हैं और आप गेस कर सकते हो कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम उन्हीं दो वेरिएबल्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा होगा, जो प्रॉफिट ऐप से कमाया जा रहा है और जो टाइम लोग स्पेंड कर रहे हैं इन ऐप्स पर। ये अचीव करने के लिए ऐप का पूरा डिजाइन ही इस तरीके से किया होता है। इन ऐप्स का यूजर इंटरफेस बड़ा ही ब्राइट और एंगेजिंग सा रहता है। विजुअल क्यूज डाले जाते हैं, जब भी आप जीतते हो फ्लैशिंग लाइट्स आए या चीयरफुल साउंड्स आए जिससे आपके अंदर खुशी हो। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, इनमें से कई सारी बेटिंग ऐप्स के अंदर खुद का कोई डार्क मोड नहीं होता। जब आप फोन पे अपना डार्क मोड एक्टिवेट करते हो तब भी इनका इंटरफेस व्हाइट और ब्राइट कलर का ही रहता है। शायद सेम लॉजिक कंपेयर किया जा सकता है कैसीनो से, जहां पर खिड़कियां नहीं होती। दूसरा, नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, जिससे इंपल्सिव बेटिंग ट्रिगर हो। आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलेंगे क्रिकेट गेम्स के या बेट्स जो अक्सर लगाई जा रही है इन ऐप्स पर, ताकि आपको भी फियर ऑफ मिसिंग आउट हो, फोमो हो। तीसरा, जैसे कैसीनो में फ्री ड्रिंक्स दी जाती हैं या फ्री बोनस दिया जाता है जब आप पहली बार एंटर करते हो, इन ऐप्स में भी साइन अप बोनसेस होते हैं, फ्री बेट्स होती हैं जब आप पहली बार इन ऐप्स को ज्वाइन करने जाते हो। जिन लोगों ने कभी बेटिंग नहीं करी है उन्हें एक इंसेंटिव मिल जाता है कि मैं भी इस ऐप को यूज करके देखूं, मुझे फ्री पैसा ऑफर किया जा रहा है। चौथा, जैसे स्लॉट मशीन्स में एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है लीवर्स और बटन्स के जरिए, यहां पर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनाया जाता है बहुत सारा डेटा और टूल्स आपको प्रोवाइड करके कि ये देखो आप जो गेम खेल रहे हो यहां पर वो एक गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ लक नहीं है। आप चाहें तो ये सारा डेटा एनालाइज कर सकते हो इन क्रिकेट मैचेस का। आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो ये एनालाइज करने के लिए कि कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हो। ये सब एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल आपको दे रहा है, आपको लगता है आपके पास ताकत है ये डिसाइड करने की कि आप जीत पाओगे या नहीं जीत पाओगे। ये बात सच है कि कुछ हद तक जरूर स्किल इन्वॉल्व है यहाँ पर, लेकिन मोर और लेस ये फिर भी एक लक का ही गेम है, और लक से भी ज्यादा एक प्री प्रोग्राम्ड गेम है ये। पीछे का प्रोग्राम बैक एंड पर क्या चल रहा है आप नहीं जानते, और कितने तरीकों से यहाँ पर हाउस एज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की जा रही है आप नहीं जानते। कैसे आपको नियर विंस और लॉस डिस्गाइज्ड एज विंस देके मैनिपुलेट किया जा रहा है आप शायद नहीं पहचान पाओगे। ढेर सारी बेटिंग ऐप्स हैं, इन सारी ऐप्स पे अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं और हर गेम में अलग अलग तरीकों से यही ट्रिक्स लगाई जाती हैं। एक और तरीका है लोगों को सोशल वैलिडेशन देना। इन सारी बेटिंग ऐप्स पे आपको अक्सर लीडर बोर्ड्स मिलेंगे कि ये देखो ये जो बंदा है ये टॉपर है, इसने अभी तक सबसे ज्यादा बारी जीता है, इसको इतने सारे पॉइंट्स मिल पाए हैं, आप अभी रैंक नंबर इस पर हो, आप भी ऊपर आ सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो दिखाने के लिए कि देखो आपने कितनी बड़ी विनिंग बेट लगाई। इससे एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन आता है और जो वैलिडेशन आपको इससे मिलता है उससे आप इनकरेज रहते हो कि आप इस गैम्बलिंग को कंटिन्यू करते रहो। तो इवन दो मैं इन ऐप्स के नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको अब अच्छे से समझा दिया है। आप खुद ही ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि किस किस तरीके से ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अलग अलग बेटिंग ऐप्स आप पर लगा रही हैं, आपको लूटने के लिए और आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए। एक चीज याद रखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, बिना वैल्यू एक्सचेंज के पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। पैसा एक वैल्यू एक्सचेंज का तरीका है। आपको पैसा तभी मिल सकता है जब आप कोई वैल्यू दे दूसरे को, या तो अपने काम के फॉर्म में, अपनी स्किल्स के फॉर्म में, अपनी नॉलेज के फॉर्म में, या फिर किसी भी और तरीके से वैल्यू दी जाए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि घर बैठे बैठे पैसा अपने आप फ्लो करने लग जाएगा बिना इस वैल्यू एक्सचेंज के, तो भूल जाइए। हाँ, कुछ वन इन अ मिलियन लोग होते हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं बिना कुछ करे, लेकिन वो लोग भी कोई ज्यादा खुश नहीं होते अपनी जिंदगी में। न्यूज आर्टिकल सर्च करके देखिए ऑनलाइन, लॉटरी विनर्स हु लॉस्ट इट ऑल, इतनी कहानियां मिलेंगी आपको। जो लोग बिना कुछ किए लॉटरी जीत जाते हैं वो उतनी ही जल्दी उस पैसे को गवा भी देते हैं, क्योंकि वो पैसे की असली कीमत रियलाइज नहीं कर पाते। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके और बिजनेस मॉडल के वीडियोज देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।